नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको बताते हैं वॉर जोन की सबसे लेटेस्ट न्यूज और वॉर ब्रेकिंग्स। शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ी खबर से। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा दावा, रूसी रडार सिस्टम पर हमले का यह दावा है। 42 करोड़ का रूसी रडार ध्वस्त हो गया है, ये यूक्रेन की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी धरती पर यूक्रेन के कई बड़े हमले हुए हैं। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त इस वॉर ब्रेकिंग में नजर आ रही है। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, जिसका मतलब अमेरिका से विध्वंसक हथियारों की खेप कीव सप्लाई होगी। वही अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने भी अपने बारूदी गोदाम यूक्रेन के लिए खोल दिए हैं। दावा तो यहां तक किया जाने लगा है कि पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप वाया पोलैंड की भेजनी शुरू भी हो चुकी थी, मगर ये हथियार जिस रूट से यूक्रेन जाने थे, यूक्रेन के जिन वेपन डिपो में रखे जाने थे, उन्हें बीती रात पुतिन ने अपने बारूदी ताप से खाक कर दिया। आखिर कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आसमान में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से प्रहार। कहीं ड्रोन के जरिए विस्फोटक कोहराम, तो कहीं आर्टिलरी शेल और एमएलआरएस से बारूदी भूचा। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पश्चिमी यूक्रेन के कई बड़े शहरों और प्रांतों पर पुतिन सेना का बारूदी प्रकोप देखने को मिला। रूसी डिफेंस ने जबरदस्त अंदाज में पश्चिमी रूस के करीब करीब 70% इलाके को बारूद से पाट दिया। हैरानी इस बात की है कि पहली बार रूसी डिफेंस ने पश्चिमी यूक्रेन पर इस कदर विध्वंसक अटैक किया। क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन के इलाके से पोलैंड की सीमा लगती है, कई नेटो देश भी यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर मौजूद हैं। इन्हीं देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाती है। पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में हथियारों के बड़े गोदाम मौजूद हैं। पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए, वेपन डिलीवरी रूट को काटने के लिए, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन ने बीती रात यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बारूदी भूचाल ला दिया। एक साथ पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों में बारूदी गोदामों और वेपन को रूस ने ध्वस्त किया। आखिर रूस ने किन इलाकों को टारगेट किया और क्यों किया, यह भी आपको बताते हैं।
जंग सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि हथियारों से लड़ी और जीती जाती है। मतलब आपके पास सेना है मगर हथियार नहीं तो युद्ध लड़ना नामुमकिन है। और शायद पुतिन यही वेपन क्राइसिस यूक्रेन के लिए खड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि अब तक रूसी ब्रिगेड यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारूदी वर्षा कर रही है। खार्किव से खेरसोन तक भीषण प्रहार कर रही थी, मगर बीती रात पुतिन की सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया। रूसी फौज ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में 90% से ज्यादा बमबारी और एयर स्ट्राइक की। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रांसविस्क रीजन पर सबसे पहले हमला किया, क्योंकि इवानो फ्रांसविस्क पश्चिम देशों से आने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट है। और इतना ही नहीं, इवानो फ्रांसविस्क में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स का सबसे बड़ा हथियार गोदाम भी है। और इसके अलावा रूसी सेना के पश्चिमी यूक्रेन के लवीव और टेनोपिल पर भी भीषण बमबारी की खबरें हैं, क्योंकि यहां भी यूक्रेन का वेपन डिपो मौजूद है। वहीं वेस्ट यूक्रेन के चेरवो नोहोज्र, वोलोदिमीर और लुत्स को निशाना बनाया गया है, क्योंकि पोलैंड से आने वाले हथियारों को इन्हीं तीन लोकेशन पर स्टोरेज किया जाता है और फिर यहीं से तमाम हथियारों की सप्लाई यूक्रेन के अलग अलग कोनों में की जाती है। यानी पुतिन की सेना ने खासकर उन इलाकों को टारगेट किया जहां या तो पोलैंड से हथियारों की खेप लाई जाती थी या फिर जहां हथियारों को स्टोर किया जाता था, यानी यूक्रेनी डिफेंस का वेपन डिपो। अब सवाल ये है कि अब तक रूसी सेना पूर्वी इलाके में तबाही मचा रही थी, दक्षिण यूक्रेन के इलाकों को दहला रही थी, ऐसे में अचानक ही पुतिन का फोकस वेस्ट यूक्रेन की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? क्यों बीती रात यूक्रेन के इवानो फ्रांसविस्क, लवीव और टेर्नोपिल पर रूस ने भीषण बमबारी की? तो उसकी वजह है अमेरिका, ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों से चंद दिनों में यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की नई खेप। मसलन यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। 24 अप्रैल को बाइडेन ने मिलिट्री पैकेज से जुड़े आदेश पर साइन किए। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा। वहीं जर्मनी, फ्रांस भी यूक्रेनी सेना को मिसाइल और डिफेंस सिस्टम देंगे। दावा है कि डेनमार्क की तरफ से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन से भेजे गए हथियार वाया पोलैंड की पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लिहाजा यूक्रेनी सेना इन हथियारों को हासिल कर पाती, अपने बारूदी जखीरे में विध्वंसक हथियारों की खेप जुटा पाती, उससे पहले ही पुतिन ने अपने बारूदी ताप से पश्चिमी यूक्रेन को राख कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के आसमान में रूस के परमाणु बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी, कई यूक्रेनी इलाकों में बमबारी भी की। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के एयर जोन में 5 TU-95 स्ट्रैटेजिक हेवी बॉम्बर को उड़ाए और इन बम वर्षकों के जरिए स्ट्राइक भी की। हालांकि रूसी हमले के जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी रूसी सरजमी पर ड्रोन स्ट्राइक की। रूसी इलाकों में मौजूद एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया। यूक्रेन का सबसे प्रचंड हमला स्लावियांस्क और क्रासनोदर में देखने को मिला। यहां यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए ऑयल डिपो को उड़ा दिया। मतलब ये कि रूस यूक्रेन का टॉप गियर फेज अब शुरू हो चुका है।
इस बार जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होनी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, लेबनान के कफर किला में आईडीएफ का हमला हुआ है। हिजबुल्ला से जुड़ी इमारत को ध्वस्त किया गया है। हमले में हिजबुल्ला के 2 कमांडर मारे गए हैं। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। ईरान इसराइल के बीच का तनाव विध्वंसक युद्ध में बदलने का अंदेशा है, जिससे अरब सुलगने लगेगा। ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते से कम वक्त में भी परमाणु बम बना सकता है। यानी इसराइल हमला करता है तो ईरान के पास बदला लेने के लिए परमाणु बम का भी विकल्प है। लेकिन ईरान इस वक्त अपने प्रॉक्सी गुटों को फरमान जारी कर चुका है कि वो इसराइल पर हमला करें और अमेरिकी सैन्य ठिकानों में तबाही मचाएं। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान का मंसूबा क्या है। ईरान अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म कराना चाहता है, दूसरी तरफ वो गाजा में युद्ध विराम के लिए इसराइल को मजबूर करना चाहता है। इसके लिए ईरान ने चौतरफा हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी बड़े हमले के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ रईसी और उनके मंत्री कई देशों के दौरे कर चुके हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में मदद मिलती रहे। इसराइल की घेराबंदी की जा रही है। जितनी तेजी से इसराइल गाजा पर प्रहार कर रहा है, उतने ही हमले अब ईरानी प्रॉक्सी करेगा। खासतौर से हिजबुल्ला और हूती ने इसराइल में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। हूती को रूस और ईरान से हथियारों की नई खेप मिली है, जिसके बाद उसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसराइल के नेवल बेस पर भी हमले कर रहा है। साथ ही हूती ने ऐलान किया है कि वो इसराइल में घुसकर हमले करने को तैयार है। उसके लड़ाके स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे 7 अक्टूबर से भी ज्यादा खौफनाक हमला किया जा सके। पिछले 24 घंटे में हूती ने लाल सागर में भयानक तबाही मचाई है। हमले इतने विध्वंसक थे कि टास्क फोर्स को पलटवार तक का मौका नहीं मिल पाया। सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्ला ने भी इजरायली बॉर्डर को बारूद से पाट दिया है। पिछले 2 दिन में इतने रॉकेट बरसाए हैं कि इजरायल को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी है। और तबाही का सबूत देती ये तस्वीरें हैं, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के मंसूबे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ घंटे पहले हूती ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया। हूती का दावा है कि रीपर ड्रोन से अमेरिका यमन बेस पर हमला करने वाला था। उससे पहले ही हूती के रॉकेट ने उससे मार गिराया, यानी अमेरिका के मंसूबे को रौन दिया। इससे 1 दिन पहले हूती ने एक फाइटर जेट को मार गिराने का वीडियो जारी किया था। ये उसी का वीडियो है। आसमान में हूती के अटैक से टास्क फोर्स का जेट आग का गोला बन गया। ये टास्क फोर्स के लिए बड़े नुकसान की खबर थी। लाल सागर में हूती की दादागिरी रुकी नहीं है। वो लगातार विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है। इस बार बारी ब्रिटिश शिप की थी।
होती ने ब्रिटेन के एंड्रोमेडा शिप पर हमला किया जिसमें जहाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। हूती ने लाल सागर के अलावा इजराइल के इलात सिटी पर भी हमला किया है। हूती ने मिसाइल दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हूती तबाही मचा रहा है। उधर इराक में रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके तबाही मचाई। हमले में अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बम बरसाए। इराक में इस वक्त ईरानी प्रॉक्सी और अमेरिकी सैनिकों के बीच कई मोर्चों पर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। उधर हिजबुल्ला ने इसराइल में कहर बरपाने के लिए लड़ाकों को फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद इसराइली बॉर्डर पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है। यानी तबाही का एक मोर्चा लेबनान बॉर्डर पर खुल चुका है। हमास, हूती के अलावा अब हिजबुल्ला भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 200 दिन में हिजबुल्ला ने 1650 हमले किए हैं। हिजबुल्ला इसराइल के बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने इसराइल की मिलिट्री साइट पर 55 हमले किए हैं। इजरायली बॉर्डर पोस्ट पर 1112 बार अटैक किया गया है। इजरायली मिलिट्री बेस पर 70 बार विध्वंसक अटैक हुआ है और इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर 186 दफे रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल के 2000 सैनिक मारने का दावा हिजबुल्ला ने किया है और इन हमलों में दो मिलिट्री कहा जा रहा है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को भी तबाह किया गया है। 344 बंकर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। 5 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बर्बाद हुए हैं। 92 मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह तबाह कर दिए गए और इन सबके अलावा 546 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अचानक से हिजबुल्ला, होती और हमास के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हमलावर हो गए। इसके पीछे की वजह समझिए। ईरान से हथियार लगातार मिल रहे हैं। ईरान ने हमले के लिए फ्री हैंड दिया है। रूस से भी हथियार मिलने लगे हैं। सीक्रेट रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। कई इस्लामिक मुल्कों का साथ मिल रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म करना मिशन है। खास बात यह है कि ईरान ने सुस्त पड़े ईरानी प्रॉक्सी गुटों में नई जान डाल दी। जब से ईरानी मंत्रियों ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात की है। इस बीच ईरान ने एक हफ्ते में एटम बम बनाने का दावा किया है, जिसके लिए कजाकिस्तान में ईरान के रक्षा मंत्री ने पहले चीन और फिर रूस के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की, जिसमें अरब के समीकरण पर लंबी चर्चा की गई। इसके बाद रणनीति बनाई गई है कि पहले ईरानी प्रॉक्सी हमला करेंगे, फिर ईरान फाइनल प्रहार करेगा। इसलिए ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए। हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी के हमले से इसराइल दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान कर दे, लेकिन इसराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा घबराहट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम या तो बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA ने वक्त वक्त पर ईरान की परमाणु साइट की सैटेलाइट इमेज जारी की, जिसमें कई तरह की गतिविधि देखने को मिली है। नतांज की सैटेलाइट इमेज, इस्फहान की सैटेलाइट इमेज, इन्हीं तस्वीरों में दिख रही गतिविधि के दम पर दावा किया जा रहा है कि ईरान जारगोस की पहाड़ियों के नीचे परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। अब ईरान ने इन न्यूक्लियर साइट्स पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। साथ ही यूएन टीम को भी साइट निरीक्षण की मंजूरी नहीं दी है। इसका सीधा मतलब है चट्टानों के नीचे जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। वैसे भी ईरान की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान कभी भी बेहद तेजी से परमाणु बम बनाने में सक्षम है। यानी ये ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। इस बीच बड़ी खबर आ रही है रूसी सेना के विध्वंस से जुड़ी हुई। खेरसोन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने MLRS से रॉकेट की बरसात की है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने यूक्रेन को रूसी धरती पर हमला करने की छूट भी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका और नेटो रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। रूस के आसपास मौजूद देशों में एटमी हथियारों को तैनात करने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट तो ये बताती है कि इस वक्त रूस के पास हथियारों की कमी है। रूस की इस कमजोरी का फायदा उठाकर नेटो रूस पर हमला करना चाहता है। सवाल यही है कि नेटो के इस कदम का परिणाम क्या होगा। वहां विनाश का ट्रिगर दबने जा रहा है। रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो चुकी है। पुतिन सेना एटमी विस्फोट का बटन दबा सकती है। परमाणु महाविनाश का कारण बनेंगे नेटो के 3 कदम। पहला, यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है। दूसरा, यूक्रेन को रूसी जमीन की अनुमति मिल गई है। तीसरा, नेटो देश रूस के पास एटमी हथियार तैनात करने जा रहे हैं। नेटो के इसी कदम से रूस इतना भड़क गया है कि उसने अपने न्यूक्लियर फोर्स को एटमी धमाके के लिए वॉर रेडी कर दिया है। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि वो न सिर्फ यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है बल्कि इसे उड़ाने के लिए ट्रेन्ड पायलट भी देगा। पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि फैसला हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं, अब F-16 की डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका के साथ साथ बेल्जियम ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया है। ऐसी ही तैयारी कई और नेटो देश कर रहे हैं। अगर नेटो ने यूक्रेन को F-16 दिए तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर F-16 की डिलीवरी हुई तो यह युद्ध में अमेरिका की आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव घोषणा कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन को F-16 दिए गए तो रूस परमाणु हमला करने को मजबूर होगा। लेकिन अमेरिका पर रूस की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 अटैक एमएस मिसाइलें दे दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त अटैक एमएस मिसाइलों के सभी 3 बड़े और मुख्य वर्जन मौजूद हैं। इन 3 वर्जन के नाम हैं M-39 ब्लॉक, M-39A1 ब्लॉक और M-57 ब्लॉक यूनिटरी। M-39 ब्लॉक की रेंज 165 किलोमीटर है। M-39A1 ब्लॉक और M-57 ब्लॉक यूनिटरी की रेंज 300 किलोमीटर है। मतलब ये कि यूक्रेन अटैक एमएस मिसाइलों से 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का कहना है कि उसके पास अभी भी 2100 से ज्यादा ATACMS मिसाइलें हैं। अमेरिका आने वाले वक्त में यूक्रेन को अटैम्स मिसाइलों की एक और खेप दे सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब के दर्जन भर हथियार भेज दिए हैं। अब युद्ध में F-16 की एंट्री होने वाली है। इसके बाद विनाश का नया दौर शुरू होने वाला है। रूस
रूस के मान सम्मान पर चोट करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है। यानी अब यूक्रेन नेटो के हथियारों से रूस के अंदर कहीं भी हमला करने को आजाद है। रूस के खिलाफ एक्शन यही खत्म नहीं हुआ। रूस के आसपास मौजूद नेटो देशों में अमेरिका एटमी हथियार तैनात करने जा रहा है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया ने अपनी धरती पर भी परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की है, जिससे क्रेमलिन बुरी तरह भड़क गया है। अमेरिका रूस की घेराबंदी किस तरह करने जा रहा है, कहां कहां एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है, अब इसे समझ लीजिए। रूस का पड़ोसी है फिनलैंड, जो कुछ महीने पहले ही नेटो का मेंबर बना है। यहां परमाणु हथियारों की तैनाती संभव है। एस्टोनिया रूस से लगातार एक और नेटो देश है, यहां भी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भी सटा हुआ देश है। रूस के एक और पड़ोसी देश लातविया में भी नेटो एटमी हथियारों की तैनाती कर सकता है। लिथुआनिया ने भी रूस से खतरे का हवाला देते हुए एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की है। पोलैंड पहले ही कह चुका है कि वो अपनी धरती पर नेटो के एटमी हथियार और न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती चाहता है। आने वाले वक्त में इन देशों में नेटो न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है, और इसी खतरे को देखते हुए पुतिन ने बेलारूस में अपने एटमी बेस को, ये कहा जा रहा है कि एक्टिवेट कर दिया है, और इस एटमी बेस पर परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अमेरिका रूस की घेराबंदी इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे लगता है कि इस वक्त रूसी सेना कमजोर स्थिति में है। अमेरिका और नेटो को ऐसे ही मौके की तलाश है। यही वजह है कि नेटो पर रूस ऑलराउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस के हथियार कम हो रहे हैं। रूस को हथियार सप्लाई करने वाले दो देश हैं चीन और उत्तर कोरिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से ही हमला कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को भी फाइनल वार्निंग दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चीन को समझाया कि अगर उसने रूस को हथियार दिए तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। बावजूद इसके जब चीन के रुख में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका लौटते ही ब्लिंकन ने चीन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। चीन से पहले ऐसी ही धमकी अमेरिका उत्तर कोरिया को भी दे चुका है। सुपर पावर की कोशिश है कि रूस के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया जाए, इसके बाद उस पर हमला किया जाए ताकि रूस पलटवार करने की स्थिति में ही ना रहे। नेटो की इस तैयारी से क्रेमलिन में भी खलबली मची हुई है। क्रेमलिन को रिपोर्ट मिली है कि नेटो रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने ना सिर्फ अपने न्यूक्लियर ट्रायड को हाई अलर्ट कर दिया है, बल्कि बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने दुनिया भर में अपने एजेंट्स को भेज दिया है। इन्हें नेटो से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। रूस युद्ध में इस जानकारी का इस्तेमाल कर हमले करेगा। मतलब ये कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। विनाश का सबसे भयावह दौर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेवरिस्क में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान होने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी हमले में यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट खत्म हो गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध अब तक के सबसे विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बार सीधी लड़ाई क्रीमिया को लेकर है। दोनों तरफ से गोला बारूद, हथियार और मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अमेरिका से पहली बार यूक्रेन को क्रीमिया में हमले की हरी झंडी मिल चुकी है। बाइडेन के वॉर एक्सपर्ट भी पहुंच चुके हैं। अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। 2022 से जारी लड़ाई में यह इलाका दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। क्रीमिया पर अमेरिकी पॉलिसी और जेलेंस्की की जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। पिछले 24 घंटे में रूस ने अपने हमलों से यूक्रेन को दहला रखा है। पुतिन की सेना ये हमले ओडेसा और पर्वोमैस्क में कर रहे हैं। यूक्रेन की एयरफील्ड को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीती रात कई बार ऐसा हुआ जब मार्निनोवका और निकोलेव से लड़ाकू विमानों ने ओडेसा के लिए उड़ान भरी। ओडेसा यूक्रेन के लिए वो बेस है जहां से वो रूस को निशाना बनाता है। ओडेसा से ही क्रीमिया में हमले की तैयारी है, इसलिए रूस की कोशिश है कि अटैक से पहले ही यूक्रेन की कमर तोड़ दी जाए। ना ओडेसा में एयरफील्ड रहेगी और ना ही जेलेंस्की का क्रीमिया का सपना पूरा हो पाएगा। क्रास्नोदर और क्रीमिया में भी रूस ने रात में विध्वंस मचाया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 68 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस इन्हीं ड्रोन से रूसी जमीन को बर्बाद करने की कोशिश लगातार करती रहती है। सवाल है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अचानक उसने यूक्रेन और उसकी जमीन पर हमले तेज कर दिए? क्या सिर्फ क्रीमिया बचाना ही प्लान है या मकसद कुछ और है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रूस का प्लान बमों और मिसाइलों की बौछार करके क्रीमिया बचाने के साथ अमेरिका को जवाब देना भी है। दरअसल ताजा पैकेज के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को $300 बिलियन के हथियार दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से रूस भड़का हुआ है। अमेरिका से रूसी राजदूत एंटोनोव ने चेतावनी दी है कि रूस अमेरिका के सभी हथियारों को नष्ट कर देगा। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम, डिकॉय और अटैक एमएस मिसाइल दी है। अटैक एमएस सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ये मिसाइल 160 से 560 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस के बर्दियांस्क और क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। इसकी मदद से रूस के फाइटर जेट्स पर भी हमले की तैयारी है। दूसरा हथियार अमेरिकी मेड डिकॉय मिसाइल है। माना जा रहा है कि यह मिसाइल क्रीमिया युद्ध में आग में घी का काम करने वाली है। यही वो मिसाइल है जिससे कर्ज ब्रिज को तबाह करने की तैयारी है।
ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। यूक्रेन युद्ध में यह रूसी फोर्सेस के लिए मेन सप्लाई रूट है। यह ब्रिज टूटा तो रूस की सेना फंस जाएगी। क्रीमिया जीतने में 19 किलोमीटर लंबा यह पुल अहम कड़ी है। 8 अक्टूबर 2022 को पहली बार इसे टारगेट किया गया था। फिर एक बार निशाना यही है, जिसमें अमेरिका से आई डिकॉय और अटैक एमएस जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें काम आने वाली है। डिकॉय मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत रखती है। दुश्मन के रडार स्क्रीन पर कई विमानों की नकल करने में भी सक्षम है। मिसाइल की यही खूबी दुश्मन को भ्रमित कर देती है और फिर ये अपने लक्ष्य पर जाकर सीधा हमला बोल देती है। लॉन्ग रेंज पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। किसी भी मौसम में काम करने वाला पैट्रियट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी इससे बच नहीं पाते। पूरी तैयारी यूक्रेन को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने की है। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ तैयार है। तो रूस ने भी इस खतरे से निपटने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने S-500 प्रामथियोस को उतारा है, जिसे गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। S-500 मॉस्को का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। ये F-35 और F-16 को हवा में मार सकता है। 600 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज वाला यह सिस्टम 800 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य को पहचान लेता है। सबसे बड़ी बात, यह 10 सुपरसोनिक मिसाइलों को एक के बाद एक टारगेट करने में सक्षम है। S-500 जितना ताकतवर है, उतनी ही इसमें फिट मिसाइलें महंगी हैं। जब तक रूस के तरकश में यह तीर है, तब तक वो सुरक्षित है। यह बात अमेरिका और यूक्रेन को भी पता है। इसलिए अमेरिका ने यह प्लान बनाया है कि पहले S-500 की मिसाइलों का नुकसान कराया जाए। दुश्मन को चकमा देने वाली डिकॉय मिसाइल यही काम कर रही है। एक डिकॉय मिसाइल की कीमत $30,000 से $1,20,000 यानी भारतीय रुपयों में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, जबकि S-500 की एक मिसाइल लगभग $20,00,000 यानी लगभग 17 करोड़ में आती है। यानी 25 से 30 लाख की मिसाइल से 17 करोड़ की मिसाइल तबाह की जा रही है। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा S-500 की मिसाइलें खाली करा दी जाएं, ताकि क्रीमिया पर हमला आसान हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले से रोका करता था, लेकिन अब उसने भी हमले को हरी झंडी दे दी है। शायद इसीलिए गुप्त तरीके से मेड इन अमेरिका मिसाइलें यूक्रेन पहुंच रही हैं। क्रीमिया पर फाइनल ऑपरेशन की तैयारी है। आशंका है कि 7 मई से पहले यहां बारूद बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भूमध्य सागर में कभी भी बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि रूस ने एक और युद्धपोत काला सागर से भूमध्य सागर में भेज दिया है। उसकी तैनाती एकदम फ्रांस के पास की है। उधर युद्ध का अंदेशा देखते हुए फ्रांस ने नेटो से मदद मांगी है, जिसके बाद अमेरिका ने ग्रीस मिलिट्री बेस पर बॉम्बर तैनात करके रूस को चैलेंज किया है। आखिर फ्रांस रूस की तनातनी में ग्रीस कैसे एपिसेंटर बन रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कहीं ऐसा ना हो अब यूक्रेन से युद्ध शिफ्ट होकर दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचने लगे। अगर ऐसा हुआ
तो रूस के निशाने पर सबसे पहला नाम फ्रांस हो सकता है। क्योंकि भूमध्य सागर में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिससे कभी भी फ्रांस और रूस में युद्ध शुरू हो सकता है। वजह समझिए, रूस ने अपने 7 युद्धपोत भूमध्य सागर में लगा दिए। इसके अलावा 3 सबमरीन भी फ्रांस के एकदम पास तैनात कर दी। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के बयान के बाद रूस ने फैसला लिया। मैक्रो ने यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए कहा। रूस ने एक दिन पहले ही किंजल मिसाइल से लैस युद्धपोत भूमध्य सागर भेजा है। रूस फ्रांस की घेराबंदी कर रहा है। युद्धपोत और सबमरीन से उसने ब्लैक सी से लेकर भूमध्य सागर रूट को ब्लॉक कर दिया है। इसके पलटवार में फ्रांस ने बड़ी तैयारी की है। इसके लिए फ्रांस ने नेटो के साथ मिलकर रणनीति बनाई है जिसमें युद्ध की आशंका को देखते हुए रूस के एक्शन को रोकने की तैयारी है। अमेरिका ने ग्रीस में न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं जहां से क्रीमिया और रूस पर सीधा हमला किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने भी 3 फाइटर जेट ग्रीस भेजे हैं। अब फ्रांस यूरोप में रैपिड एक्शन फोर्स बनाने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन फ्रांस ने ग्रीस में तैनाती करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल फ्रांस ग्रीस के जरिए रूस का ब्लैक सी रूट ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि फ्रांस ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे रूस ने ब्लैक सी को ब्लॉक किया। क्योंकि ग्रीस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच एंट्री गेट का काम करता है। अमेरिका ने ग्रीस पर बॉम्बर लगाकर और फ्रांस ने युद्धपोत लगाकर रूस को चैलेंज कर दिया है। यानी भूमध्य सागर से लेकर काला सागर तक बारूदी जलजला आने वाला है जिसमें पूरा यूरोप सुलगेगा और तबाही का सबसे भयानक दौर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब गाजा में इजराइल हमास के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें अब तक कई बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, लिहाजा इस जंग को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई फिलिस्तीन के समर्थन में है तो कोई इजराइल के साथ है। अमेरिका से यूरोप तक बवाल मचा हुआ है, मगर इसी बीच खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रदर्शन पर निगरानी के लिए स्नाइपर तैनात किए गए हैं। आखिर क्या है इस दावे की सच्चाई, आइए देखिए। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक इसराइल के खिलाफ गुस्से की आग भड़क चुकी है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के अलग अलग कोने में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। बीते कुछ दिनों से अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प नोकझोंक की भी तमाम तस्वीरें और खबरें सामने आईं। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूएस में स्नाइपर की तैनाती हुई है। ओहायो और इंडियाना विश्वविद्यालय में स्नाइपर तैनात किए गए।
स्नाइपर की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि स्नाइपर की तैनाती पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर जैसे ही सोशल मीडिया पर स्नाइपर की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें वायरल हुई, अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। दुनिया के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन और इसराइल समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर भी सामने आई। ये तस्वीर इटली के मिलान शहर की है, जहां इसराइल के समर्थन में मार्च निकाला गया था। तभी यहां फिलिस्तीन समर्थक भी आ पहुंचे। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई, कई छात्रों को चोट आई है। मतलब ये कि एक तरफ हमास और इसराइल में जंग गाजा में छिड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। यूके की संसद में भले ही रवांडा बिल पास हो गया हो, लेकिन शरणार्थियों का ब्रिटेन की तरफ जाना नहीं रुक रहा। उनको इस कानून का कोई खौफ नहीं है। इंग्लिश चैनल में उनको रोकने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन शरणार्थी मानने को तैयार ही नहीं है। फ्रांस से जब शरणार्थियों से भरी एक बोट ब्रिटेन के लिए निकली, तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। फ्रांस से आई ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। वियतनाम और अलग अलग देशों के कई शरणार्थी ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बोट से उनको ले जाने की तैयारी थी। इसके लिए इन लोगों ने मानव तस्करी करने वालों को $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8.5 लाख रुपए चुकाए, लेकिन फ्रेंच पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने इंग्लिश चैनल में उनको रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो नहीं रुके और समंदर में खड़ी इस बोट में आकर बैठ गए। सबने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। काफी देर तक उफनते पानी में पुलिस के साथ उनकी खींचतान चलती रही। पुलिस रोकने पर आमादा थी, जबकि शरणार्थी किसी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। लाख कोशिशों के बावजूद जब फ्रांस की पुलिस बोट को रोकने में नाकाम रही, तो एक पुलिस वाले ने डिग्गी पर चाकू मार दिया और उसकी हवा निकाल दी। पुलिस के ऐसा करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वाले भाग रहे लोगों के ऊपर टूट पड़े। सबको दबोच लिया गया। फ्रांस से इंग्लिश चैनल के जरिए अवैध तरीके से लोग ब्रिटेन जाते हैं। खतरनाक इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। इससे पार करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ब्रिटेन सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 30,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश की। कई लोग छोटी नाव से समुद्र पार करते हुए मारे जाते हैं, तो कई उस पार पहुंच जाते हैं। इसी हफ्ते इंग्लिश चैनल पार करते समय एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इंग्लिश चैनल में शरणार्थियों पर ब्रेक लगाने के लिए यूके और फ्रांस ने 2022 में समझौता किया है। इसके लिए 2022-23 में ब्रिटेन ने फ्रांस को 10 मिलियन यूरो चुकाए। इस डील के तहत फ्रांस ने समुद्री इलाकों में 40% तक सुरक्षा बढ़ा दी। इसलिए जब ये शरणार्थी यूके की तरफ जा रहे थे, तो फ्रांस की पुलिस उन पर टूट पड़ी। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब मंगलवार को ब्रिटेन की संसद में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने वाला रवांडा बिल पास हुआ है। इस विधेयक के तहत अवैध शरणार्थियों को ब्रिटेन की सरकार अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। रवांडा में ये शरणार्थी ब्रिटेन की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के आवेदन स्वीकार हो जाएंगे, उन्हें ब्रिटेन बुलाकर नागरिकता दे दी जाएगी। जिनके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, वो या तो रवांडा में ही बसने के लिए आवेदन कर सकेंगे या फिर किसी तीसरे देश में शरण मांग सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। बड़ी खबर आ रही है, रूस ने मॉस्केट मिसाइल का टेस्ट किया है। पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल फायर किया है। जापान सागर में जाकर गिरी है मिसाइल। रूस के मिसाइल टेस्ट का वीडियो सामने है। Thank you.
मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल फायर किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। लगातार तीसरे दिन रूसी ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। रूस के क्रास्नोदार में तेल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर यह ड्रोन से हमला है।